जय हिंद दोस्तों, आज आपको सेना में जो जवान शादी कर चुके हैं या जो नए जवान शादी करने वाले हैं उनको मेरिज पार्ट ऑर्डर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मैरिज पार्ट ऑर्डर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी, मैरिज की एज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दूल्हे की एज 21 साल होनी चाहिए, दुल्हन की एज 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही शादी हो सकती है। नहीं तो इससे कम एज होने पर, कम एज में शादी करना कानूनी अपराध है। मैरिज पार्ट ऑर्डर के लिए घर से लाने वाले डॉक्यूमेंट्स, जो शादी करने के बाद पार्ट ऑर्डर करवाने के लिए घर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत होती है, वो मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन होना चाहिए और रजिस्ट्रार द्वारा साइन किया होना चाहिए, आधार कार्ड ऑफ वाइफ, पैन कार्ड ऑफ वाइफ, मार्कशीट ऑफ वाइफ, 10th क्लास की मार्कशीट बहुत ही जरूरी होती है, अनिवार्य होती है। इसके अलावा 12th BA, BSc, BCom, MA, BEd मार्कशीट की फोटोकॉपी भी साथ लगा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट पासबुक और चेकबुक की फोटोकॉपी, और इसके अलावा ज्वाइंट फोटो विथ वाइफ 4, जो पार्ट ऑर्डर के समय जरूरत होती है। सिंगल फोटो ऑफ वाइफ 4, यानी वाइफ की सिंगल फोटो भी 4 चाहिए और वाइफ की हस्बैंड के साथ ज्वाइंट फोटो भी 4 चाहिए। सिंगल फोटो ऑफ मदर 2, ये हस्बैंड की मदर की फोटो होनी चाहिए 2 सिंगल। डीएसपी अकाउंट ट्रांसफर इन ज्वाइंट अकाउंट, यानी कि शादी के बाद डीएसपी अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है। मैरिज डिक्लेरेशन, ये आपके कंपनी ऑफिस में आपका कंपनी क्लर्क बनाएगा। डिले एप्लीकेशन, यानी कि यदि 365 दिन से ज्यादा लेट शादी का पार्ट ऑर्डर करवा रहे हैं तो डिले एप्लीकेशन की जरूरत होगी, जो आपके यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर साइन करेंगे। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने के बाद का काम, जैसे जवान ने कंप्लीट डॉक्यूमेंट घर से लेके आ गए हैं उसके बाद क्या काम करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी ऑफिस में डिपॉजिट करेंगे, आप अपने कंपनी ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो जमा करा देंगे। मैरिज डिक्लेरेशन आपके कंपनी ऑफिस द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि जो मैरिज के डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कंपनी ऑफिस में कंपनी क्लर्क द्वारा बनाया जाएगा। मैरिज डिक्लेरेशन बनाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लें, कहीं वाइफ नाम, डेट ऑफ बर्थ, वाइफ के फादर का नाम, वाइफ के मदर का नाम, ये सभी गलत तो नहीं है, क्योंकि एक बार मैरिज का पार्ट ऑर्डर होने के बाद ये बार बार चेंज नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही सिग्नेचर करें। जब पूरे मैरिज डिक्लेरेशन और उसके साथ लगे हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं उसके बाद ही साइन करें। डॉक्यूमेंट आपके द्वारा साइन होने के बाद आपके कंपनी कमांडर और आपके सीईओ साइन करेंगे। यदि 1 साल से ज्यादा डिले है तो डिले एप्लीकेशन होगी, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। सभी डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद आपकी मैरिज का पार्ट ऑर्डर होगा, यानी सभी डॉक्यूमेंट जब आपके द्वारा खुद के द्वारा साइन हो जाएंगे, आपके कंपनी कमांडर आपके सीईओ के साइन हो जाएंगे, उसके बाद ही पार्ट ऑर्डर होगा। एजेएफ मैच्योरिटी आप वाइफ और मदर के बीच में 50-50% शेयर कर सकते हैं, यानी कि जो एजेएफ से जो बाद में लोन मिलता है या उसके 50-50% आप शेयर कर सकते हैं मदर और वाइफ के बीच में। मैरिज पार्ट ऑर्डर होने के बाद आपकी 958 में एंटर किया जाएगा, शादी का पार्ट ऑर्डर होने के बाद आपकी 958 में एंट्री कर दिया जाएगा।
मेरी इस पार्ट ऑर्डर की फोटोकॉपी अपने पास रखें। एक फोटोकॉपी मेरी इस पार्ट ऑर्डर की अपने पास रखनी चाहिए। वाइफ के पार्ट ऑर्डर यानी कि अपनी पत्नी के क्या क्या पार्ट ऑर्डर होंगे। आधार कार्ड पार्ट ऑर्डर, पैन कार्ड पार्ट ऑर्डर, ज्वाइंट अकाउंट पार्ट ऑर्डर, ये आपकी वाइफ के पार्ट ऑर्डर करवाने हैं। मैरिज का पार्ट ऑर्डर होने के बाद वाइफ के सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपकी 958 में होनी चाहिए। जैसे ही शादी का पार्ट ऑर्डर हो जाता है आपके वाइफ के सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी आपके 958 में होनी चाहिए। शादी के बाद पार्ट ऑर्डर पब्लिश नहीं कराने से समस्या। जैसे कोई जवान शादी करा लेता है लेकिन उसने शादी का पार्ट ऑर्डर नहीं कराया तो उसके बाद क्या समस्या आती है। हस्बैंड के साथ अचानक कोई हादसा होने पर फैमिली को डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने में परेशानी होती है। जैसे हस्बैंड कहीं छुट्टी गया या कहीं भी गया और उसके साथ अचानक कोई हादसा हो जाता है लेकिन शादी का पार्ट ऑर्डर नहीं हो रखा है तो उसकी फैमिली को डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने में परेशानी होती है। फैमिली पेंशन टाइम पर स्टार्ट नहीं होती है। जब हस्बैंड के साथ अचानक हादसा हो गया तो फैमिली पेंशन भी समय पर शुरू नहीं होगी। डीएसपी अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराने से वाइफ को इंश्योरेंस नहीं मिलता है। जैसे डीएसपी अकाउंट होता है उसको शादी के बाद ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराने के कारण वाइफ को जो हस्बैंड का इंश्योरेंस मिलना चाहिए था लेकिन वो नहीं मिल पाता है, इसलिए डीएसपी अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर कराना चाहिए। फैमिली को फाइनेंशियल लॉस होता है। जैसे जवान तो चला जाता है लेकिन फैमिली को और उसके परिवार को फाइनेंशियल लॉस होता है। अभी तक सुने हुए पूरे और डॉक्यूमेंट के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। शादी होते ही पार्ट ऑर्डर पब्लिश हो जाना चाहिए। सबसे पहला निष्कर्ष ये है कि जिस दिन शादी होती है उसके महीने या दो महीने के अंदर अंदर शादी का पार्ट ऑर्डर हो जाना चाहिए। उसको अपनी मर्जी से या अपने तरफ से डिले नहीं करना चाहिए। पार्ट ऑर्डर पब्लिश होते ही फैमिली का डिपेंडेंट कार्ड अप्लाई कर देना चाहिए। जैसे ही शादी का पार्ट ऑर्डर हो गया अपनी फैमिली का डिपेंडेंट कार्ड बना लेना चाहिए जिससे कभी भी इमरजेंसी में वो यूज में आ सकता है। जल्दी से जल्दी डीएसपी अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहिए। जैसे ही शादी हुई अपने डीएसपी अकाउंट जो सैलरी अकाउंट होता है उसको ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। शादी का पार्ट ऑर्डर पब्लिश होते ही अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे आपने शादी का पार्ट ऑर्डर पब्लिश करवा दिया है अपनी वाइफ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाई मैंने शादी के बाद जितने भी जो कागज कार्रवाई सेना के अंदर होती है वो कंप्लीट करा चुका हूं। तो दोस्तों ये था जो जवान शादी करा चुके हैं लेकिन शादी का पार्ट ऑर्डर नहीं कराया है और जो जवान शादी करवाने वाले हैं उनको शादी का पार्ट ऑर्डर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा? आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सैनिक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।